कराची में मौसम बेहतर हुआ तो एक और खुशखबरी ने दस्तक दी। जी हाँ, शारा फैसल पर ब्रिक रोड अंडरपास का इफ्तिताह होने जा रहा है, जिसके बाद घंटों का सफर मिनटों में तब्दील हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने बजट में कराची के लिए 3 अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाने का वादा किया था। ड्रिक रोड अंडरपास का इब्तदाई तखमीना 50 करोड़ 20 लाख रुपए लगाया गया था। ताम अंडरपास 66 करोड़ 25 लाख रुपए में तामीर हुआ। इसकी लागत जो है वो 650 मिलियन है, जिसमें ऊपर जो ब्रिज राइट हैंड ब्रिज है उसकी भी मरम्मत जो है डेक स्लैब की शामिल है। कराची के वासियों बिलखुसूस शारा फैसल इस्तेमाल करने वालों के लिए ड्रिक रोड अंडरपास हुकूमत का बड़ा तोहफा है। इसका अंडरपास बनने से कोई ट्रैफिक का दबाव शदीद जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जन्ना टर्मिनल या लांडी की तरफ से जाने के लिए हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जब टनल बन जाएगा तो लेन चेंज करने का तो सवाल ही निकल गया ना, तो ऑब्वियसली मतलब ये बहुत ज्यादा ईज आउट होगा, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की आला कयादत सिंध हुकूमत के इस अहम मंसूबे का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते कर देगी। कराची के शहरियों की हो गई है मुश्किल आसान, क्योंकि मेट्रोपोल से लेकर जिन्ना टर्मिनल तक का रास्ता अब घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में तय हो पाएगा। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ नाज़िश आयाज़, 92 न्यूज़ कराची।